नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। अब करनाल जिले के लोगों की जांच मोबाइल वैन के माध्यम से की जाएगी। जिले की रोडवेज बसों को मोबाइल वैन का रूप दिया गया है। प्रत्येक मोबाइल वैन में डॉक्टरों की टीम के साथ साथ अन्य स्वास्थ्य कर्मी व आवश्यक दवाइयाँ भी मौजूद होंगी। यह मोबाइल वैन गाँव गाँव में जाकर लोगों की जाँच करेगी तथा यदि किसी व्यक्ति में किसी भी प्रकार के फ्लू का लक्षण पाया जाता है तो उसकी जांच की जाएगी और उसे उचित दवा तथा परामर्श भी दिया जाएगा। करनाल जिले में ऐसी 24 टीमें बनाई गई हैं जो जांच भी करेंगी और लोगों का डाटा भी एकत्रित किया जाएगा, साथ ही साथ लोगों के फोन नंबर तक प्रशासन तक पहुंचाए जाएंगे ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें आवश्यक सहायता मिल सके। करनाल प्रशासन का यह कदम बेहद सराहनीय है, क्योंकि इससे पहले यदि कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसे लॉकडाउन के चलते अस्पताल आने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार पुलिस द्वारा उन्हें वापस घर भी भेज दिया जाता है। ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो और प्रत्येक व्यक्ति जिसे कोई फ्लू है उसे तुरंत उपचार दिया जा सके, उसके लिए इस मोबाइल वैनों को शुरू किया गया है। आपको बता दें कि कई कोरोना के लक्षण 14 दिन तक भी पॉजिटिव नहीं दिखते लेकिन बाद में नजर आते हैं, इसलिए कोरोना के लक्षणों को प्रारंभिक स्तर पर ही पकड़ लिया जाए और इसके चैन को तोड़ा जा सके, इसीलिए स्वास्थ्य विभाग ने यह कदम उठाया। आपको बता दें कि करनाल जिले में सरकार के आदेश पर स्वास्थ्य विभाग की 24 टीमें बनाई गई है जो गांव गांव जाकर लोगों के स्वास्थ्य की जाँच करेगी, जिसमे इन्फ्लुएंजा व सांस दमा टेस्ट किया जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को किसी भी फ्लू से ग्रस्त पाया जाएगा तो उसको तुरंत स्वास्थ्य सेवाएं दी जाएगी। यह जानकारी करनाल सिविल सर्जन डॉक्टर अश्विनी आहूजा ने दी। पहले आप सुनिए कि डॉक्टर अश्विनी आहूजा ने और क्या कुछ कहा। जिला करनाल में जो मोबाइल हेल्थ टीम गांव-गांव जाकर सर्वे करेंगी, उसके तहत हमने 24 टीमें करनाल की जनता के लिए हमने PHC वाइज और अपने एरिया को कवर करने के लिए बना दी हैं, जो कि अगले 4 या 5 दिनों के अंदर अंदर पूरे जिला की पॉपुलेशन को स्क्रीन करेंगे किसी भी फ्लू या इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स के लिए और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के लिए, और लाइन लिस्टिंग तैयार करेंगे ताकि यदि आने वाले टाइम पे हमारे को किसी भी कम्युनिटी इन्फेक्शन का और या क्लस्टर का कोई सोर्स मिलता हो तो और कम्युनिटी को जानकारी कम्युनिटी इन्फेक्शन के पता चले तो हम इस एरिया पे फोकस करके। कितनी टीमें बनाई गई हैं? 24 टीमें बनाई गई हैं और ये 24 टीमें PHC वाइज उनके अंदर पड़ने वाले गांवों को कवर करेंगे अगले 4 से 5 दिनों में पूरे काम करेंगे। रोडवेज की कितनी बसें हैं? रोडवेज की बसों का आवंटन ADC के माध्यम से किया गया है। उन्होंने हमारे को ब्लॉक वाइज हमने उनको टीमें बना के दे दी, डेट एंड टाइम उन्होंने डिसाइड करके बसों का प्रचालन उन्होंने किया है। असंध से यहाँ से 4 बसें की होंगी तो असंध ब्लॉक डिपो से भी बस मिलती है, इधर इंद्री डिपो भी इनका सब डिपो। कब से शुरू किया गया? आज से ही शुरुआत की। सैकड़ों की तादाद में पहुंचे मरीजों का कहना था कि आज हमें कुछ राहत जरूर मिली है कि पिछले 21 दिनों से हम ना तो किसी जगह पर दवाई लेने के लिए जा सकते थे और जाते थे तो पुलिस वाले मारते थे। आज यह बस में दवाई लेकर आए और चेकअप कर रहे हैं और दवाई दी जा रही है, यह सरकार की अच्छी पहल है। सुनिए क्या कुछ कहा मरीजों ने। दवाई लेने के लिए कितनी सी दिक्कत थी आपको? सिर में दर्द। और कहाँ, ये बस में दवाई दे रहे हैं? हाँ जी। ठीक है जी? ठीक है। घर की घर दवाई मिल रही है? हाँ जी। दवाई लेना है ये? ठीक है सिस्टम जो अब किया इन्होंने बस का? हाँ बढ़िया। जाने दिन से घर थे आप? घर तो मैं बहुत दिन तक रही हूँ, अस्पताल लग जाए नहीं जाना, चल लिया नहीं जाना। अच्छा। हाँ। ये सरकार ने जो सिस्टम किया है ठीक किया है? ठीक है, बहुत बढ़िया। किस चीज के दवा लेने आए हो? पीड़ा की, लाता बहुत पीड़ रहा है। बस पीड़ पीड़ है मेरा और कुछ नहीं। चल लिया नहीं जाना। डॉक्टर ये दवाई देने किस चीज पे आ रहे हैं? बस में जी दवाई लेना आ रहे। बस आ रही जी, बस पे दवाई लेना आ रहे।
बस में डॉक्टर दवाई भी दे रहे हैं साथ के साथ डॉक्टर बैठे हैं? हाँ जी दे रहे हैं दवाई। कितने दिन से आपको दवा नहीं ली? जी जान नहीं देते, दवाई ली नहीं हमने। जान नहीं दे रहे थे? हाँ जी। किस चीज की दवा लेने आए? बुखार बुखूर की। हाँ। बाकी ठीक है वैसे? हाँ ठीक है। गर्मी थी इतने दिन से? हाँ जी गर्मी थी। अच्छा ये बस से लोगों को फायदा होगा? हाँ जरूर होगा। यहाँ तो जी कॉलोनी में दवाई लेने के लिए आए हैं, तो गोड्डे में दर्द है, कमर में दर्द है जी। अच्छा। तो अस्पताल में दवाई मिल नहीं रही है। अच्छा। जाने नहीं देते उधर, यही प्रॉब्लम है जी। यहाँ किस चीज कहाँ से दवाई लोगे? ये बस आ रही है जी, सरकारी बस आ रही है। हाँ जी। बस में डॉक्टर हैं? हाँ जी बस के अंदर डॉक्टर हैं। इससे फायदा होगा हम लोगों को? हाँ जी होगा, होगा क्यों ना, बस आइए तो राम लगेगा। तू ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।